हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फोटो वॉकर वंस अगेन। आप लोगों ने मेरे इस नए चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फोटो एडिटिंग ट्रिक्स। तो फोटो एडिटिंग ट्रिक्स जो होती है वो आप किसी भी ऐप पे कर सकते हो यूजुअली, बट आज हम यूज करने वाले हैं पिक्सआर्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं एक ट्रिक जिसमें आप किसी भी पर्सन को एक रिंग के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप बंद कर सकते हैं। तो हम इस ट्रिक को क्या नाम दें, लेट्स से ट्रैप्ड। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद सबसे पहले हम अपनी फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो हमें दो फाइल्स इंपोर्ट करनी है। पहली फाइल जिसमें कि हमने विदाउट रिंग एक फोटो क्लिक करी हुई है, नॉर्मल पर्सन, और सेम फोटो हमने एक और क्लिक करी थी जिसमें हमने एक रिंग का भी यूज किया था। आई विल शो यू कि वो कौन सी फोटो है, लेकिन उससे पहले आपको जाना है ऐड फोटो पे और उसी फोटो को हम ऐड करेंगे। तो जब ये फोटो हम अपने इसमें ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले आप अपनी ओपेसिटी इस पिक्चर की कर दीजिए 50%, ताकि आपको उन दोनों फोटोज को मर्ज करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम इसको रिसाइज करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि दोनों फोटोज आपस में इस तरह से ओवरलैप हो जाए कि इसमें जो हमारा पर्सन है वो क्लियरली विजिबल हो। तो जब ये ओवरलैप हो जाता है, उसके बाद आप इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। सबसे ऊपर देखेंगे इसी पर्टिकुलर विंडो में एक इरेजर बना हुआ है, वो आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपका इरेजर सिलेक्टेड है। इरेज करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो बीच में जो ओवरलैपिंग पोर्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कमर के ऊपर वो रिंग जा रही है, ट्रांसपेरेंट तो आपको इजीली दिख रहा है, बस उसको रिमूव करना है आपको ऐसे। और वो रिमूव करने के बाद आप इसको कर देंगे डन और ओपेसिटी को कर देंगे 100%। और उसके बाद आप कर लीजिए अपना यहाँ से ओके डन और आपकी फोटो हो गई रेडी। तो गाइज आपने देखा वो कितना सिंपल था। सो लेट्स डू आवर नेक्स्ट ट्रिक जिसका नाम है फोटो डूडल। इसके लिए भी हम सबसे पहले अपना ऐप ओपन कर लेते हैं। तो फोटो डूडल के लिए हमने ये वाली फोटो सेलेक्ट करी है, ये मैं प्राशर लेक गया था, ये तब की फोटो है शायद पिछले साल की। तो चलिए मैं इस पे आपको डूडल करके दिखाता हूँ। इस पे ड्रॉ करने के लिए आप अपनी फिंगर का यूज कर सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि अगर आपके पास कोई स्टाइलस है तो लाइक दिस वन। या यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर आप नीचे सेलेक्ट करेंगे ड्रॉ, ड्रॉ के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले कलर सेलेक्ट करना है। तो मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा अगर थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड है तो व्हाइट कलर यूज किया जाए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेट्स ओपन अप आवर क्रिएटिविटी एंड डूडल अराउंड। ओके, मुझे ये पेंसिल साइज पसंद नहीं आया तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एंड ये ब्रश का साइज मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ब्रश का साइज मैंने कर लिया 25 एंड मुझे ये साइज थोड़ा सा ठीक लगा। ब्रश का साइज हमने कर लिया सेट और इस पर मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा फेड ताकि ये दिखने में और थोड़ा सा प्लीजिंग लगे। सो लेट्स ड्रॉ। यस, अभी मैं इस पर इरेजर टूल यूज करूंगा अगेन, और इरेजर का बहुत फायदा रहता है ऐसे केसेस में। अगर ये बहुत ज्यादा क्लीन भी नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है और जब हम इसको छोटा करके देखेंगे तभी सही लगेगा देखने में। सो या, ऐसे आप अपने फोटोज में थोड़ा बहुत फ्लेवर ऐड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम ऑडियंस को ह्यूमर बहुत पसंद है। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स। सो गाइस, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बोका, और बोका नीड्स नो इंट्रोडक्शन। यू ऑल आर अवेयर कि वो पीछे जो लाइट्स होती हैं बहुत ज्यादा ब्लरी ब्लरी सी लाइट्स होती हैं और वो बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग लगती है। या तो ये फोटो मैंने क्लिक करी थी, अब इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बोका और भी आना चाहिए, थोड़े बहुत और ग्लोइंग लाइट्स के एलिमेंट आने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे स्टिकर सेलेक्ट करूंगा। स्टिकर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बोका। जब आप बोका लिखते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे बोका के PNG फाइल्स मिल जाते हैं, स्टिकर्स मिल जाते हैं,
ऑलराइट गाइस, जब आप भी बोका सेलेक्ट करते हैं, हमने ये वाला बोका सेलेक्ट किया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बैकग्राउंड ब्लैक है और हमें वो बैकग्राउंड ब्लैक हटाना है। तो इसको हम करेंगे ब्लेंड, और ब्लेंड मोड के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन। स्क्रीन सेलेक्ट करने से क्या होता है, अगर आपके फोटो में कोई भी बैकग्राउंड है और वो एक सेम कलर का सिंगल टोन बैकग्राउंड है, तो उसको वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे बोका यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आ गया है। एंड नाउ वी नीड टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द कलर। तो हमने अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द पिक्चर अपना बोका को रिसाइज कर लिया है, और इसमें से जो जो बोका आपको थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है या जो चेहरे पे आ रहा है, उसको हम रिमूव करेंगे ताकि वो थोड़ा सा दिखने में प्लीजिंग लगे। तो रिमूव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज अगेन यूज़ ऑफ इरेजर। तो यहाँ सबसे पहले हम ऊपर इरेजर सेलेक्ट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ से हमें रिमूव करना है हम वहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी अननेचुरल बोका था वो हमने हटा दिया है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा और ऐड करना है, जैसे कि ये जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस के अगर एक तरफ बोका दिख रहा है और दूसरी तरफ नहीं दिख रहा है, वहाँ पे भी अगर हमें ऐड करना है। एंड अगेन मैं वही सेम बोका सेलेक्ट करूँगा बिकॉज वी डोंट वॉन्ट इट टू बी अननेचुरल। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके ब्लेंड में अगेन स्क्रीन मोड, चश्मे पर वो बहुत छोटा सा दिखेगा, तो हम इसको फोटो को जूम इन कर लेते हैं, और चश्मे के एक कॉर्नर पे हमें बोका चाहिए तो वहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स यूज़ इरेजर। तो जितना भी पोर्शन आपको रिमूव करना है, जो नहीं चाहिए अनवांटेड पोर्शन, वो सारा आप इरेजर यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं एज यूजुअल। चश्मे के अंदर भी जो थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है आप उसको रिमूव कर दीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि वो जबरदस्ती का ऐड किया हुआ बोका है। और ये अभी भी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको रिसाइज करके थोड़ा छोटा करके यहाँ कॉर्नर की तरफ सेट कर देता हूँ, ताकि वो बहुत ज्यादा अननेचुरल ना लगे। और ये हमारे कॉर्नर में थोड़ा सा रह गया है, इसको रिमूव कर देते हैं। And yes, we are done and we are good to go. So yeah, that's how you add bokeh on your pictures. I hope you like this one too. So let's move on to the next trick. Next trick में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी photos में birds कैसे add करेंगे। आपने notice किया होगा कई बारी बहुत सारी photos ऐसी होती हैं जिनमें landscape होता है, but वो और ज़्यादा beautiful हो जाती हैं because उसमें थोड़े बहुत फ्लाइंग बर्ड्स दिखते हैं हमें। इस ट्रिक के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस पिक्चर को, और इस पिक्चर में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कैमल का एक सिल्वेट है बहुत प्यारा सा, पीछे लेक है, कुछ थोड़े बहुत माउंटेन्स हैं, और एक डुअल टोन आया हुआ है थोड़ा सा ब्लू, पर्पलिश ब्लू और नीचे ऑरेंज का। लेकिन हम इस पिक्चर को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर हम इसमें थोड़े से बर्ड्स ऐड कर दें। तो उसके लिए आपको स्टिकर पे जाना है, और स्टिकर पे जाने के बाद आप टाइप करेंगे बर्ड्स। जब आप बर्ड्स लिखेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको बर्ड्स के स्टिकर्स मिल जाएंगे, उनमें से आपको सिर्फ वही वाला सेलेक्ट करना है जो इस पिक्चर के एस्थेटिक्स के हिसाब से सही बैठेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला स्टिकर। अब इस स्टिकर में आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी सिल्वेट है बर्ड्स का, तो ये इजीली इस फोटो के साथ मर्ज हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ करीब करीब इतना रखता हूँ कैमल के मुंह के नीचे, और इसमें अगर हम थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देंगे और इफ़ेक्ट्स पे जाके इसको थोड़ा अगर ब्लर कर देंगे, देखिए बहुत नेचुरली ये फिट हो जाता है पिक्चर के साथ। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, अब ये बोनस ट्रिक है कि जब भी आप पानी के ऊपर ऐसा कुछ करते हैं तो पानी में आपको रिफ्लेक्शन दिखाना ज़रूरी होता है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड दिस स्टिकर वंस अगेन, और इस पर अगेन हमें वही करना है, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी है, इफेक्ट्स में जाके इसको ब्लर करना है, और अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हमें फ्लिप करना है, साइज थोड़ा छोटा रख के ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा, और हमें इसको पानी में शो करना है क्योंकि पानी में ये थोड़ा सा स्क्यू होगा, तो हमने इसको उस हिसाब से रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर दिया। एंड नाउ वी कैन यूज आर ओल्ड फ्रेंड इरेजर टूल, और जहाँ पे एक्स्ट्रा आया होगा वहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे।
बाकी यहाँ पे अभी किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि हमने ये रिफ्लेक्शन अलग से ऐड किया है। तो ऊपर उड़ते हुए बर्ड्स और नीचे रिफ्लेक्शन से आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, लगता है कि पिक्चर क्लिक करी हुई है। एंड दैट्स इट, आप इस फोटो को आप सेव कर सकते हैं, डन। नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत सिंपल है। अब आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि कोई कॉफ़ी पी रहा है या कोई चाय पी रहा है तो उसमें से बहुत अच्छी सी स्टीम निकल रही होती है, तो वो स्टीम एक्चुअल में कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है, आपके फ़ोन का कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है उस चीज़ को कैप्चर। तो आप देख सकते हैं कि इस फोटो में जैसे मैंने एक चाय का कप पकड़ा हुआ है, इसमें भी कोई स्टीम निकलती हुई नहीं दिख रही है। बाय द वे, ये फोटो मैंने मैक्लियोडगंज में क्लिक करी थी, बहुत ही सुंदर जगह है। तो यार इस पर भी हम लोग यूज़ करेंगे स्टिकर, और यहाँ पर जाके हम लिखेंगे स्टीम। स्टीम लिख के सर्च करेंगे और हमें शायद कुछ स्टीम के शॉट्स मिल जाएं, क्योंकि हमें एक अच्छा स्टिकर नहीं मिला तो हमने क्या किया, इंटरनेट से एक फोटो डाउनलोड कर ली है और उसको हम जरा अपने इस पे सेट करके देखते हैं कि क्या उसका स्टीम हमारे यहाँ पे फिट बैठता है कि नहीं। नाउ लेट्स यूज ब्लेंड मोड स्क्रीन एंड या आई थिंक इसका स्टीम अच्छा लग रहा है देखने में। अब बाकी का अनवांटेड पिक्चर, यस यू गेस्ड इट राइट, इज इरेजर टूल यूज करके हम रिमूव कर देंगे। एंड ये लीजिए आपकी कड़क चाय हो गई है तैयार। अब हम इसको करेंगे सेव एंड वन मोर ट्रिक डन। ऑलराइट गाइस, जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी फोटो में ऐड कर सकते हैं फ्लेयर। फ्लेयर कैसा भी फ्लेयर हो सकता है, लेंस फ्लेयर हो सकता है या फिर आपका सन फ्लेयर हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी ऐप में आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक अलग से बटन दिख जाएगा लेंस फ्लेयर। तो यहाँ से आप अपना लेंस फ्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मूड ऑफ योर फोटो। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, If I select this one, तो ये मैं easily यहाँ पे adjust कर सकता हूँ जहाँ पे sun आ रहा है, ठीक इसको sun के ऊपर रख के, and then I can direct the flare in a particular direction। क्योंकि ये हमारा sun right में है तो मैं flare को left की तरफ drag करूँगा, तो इससे आपकी photo देखने में थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। and I'm just pressing OK and we are done। So नॉट अ रॉकेट साइंस, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लग रहा हो पीछे से कोई लाइट का सोर्स है और वहाँ पे आपको एक शाइन देना है, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर बटन विच इज़ कॉल्ड लेंस फ्लेयर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी तरह तरह के अलग अलग कलर्स हैं, सो या यू कैन प्ले अराउंड विद इट। जो नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक तरह से मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला कि मैं ऐसा कर सकता था जो मैंने पहले नहीं किया। नेक्स्ट ट्रिक करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, एटलीस्ट एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए तो नहीं है। तो रात को जो स्टार्स कैप्चर करने होते हैं, मिल्की वे कैप्चर करने होता है, उसके लायक मेरा कैमरा नहीं है फिलहाल। तो मैं अपनी मोस्टली फ़ोटोज़ वैसे भी फ़ोन से क्लिक करता हूँ, तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया था ये वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी पीछे हम लोग ऐड कर पाएँ। उसके लिए क्या करना होगा आपको, इंटरनेट से मैंने एक फ़ोटो डाउनलोड किया एक्स्ट्रा, जो कि मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, ये वाला। अब ये फ़ोटो जो है इसमें हमें मिल्की वे दिख रहा है बैकग्राउंड में। हम सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हमारे पिक्चर के हिसाब से, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लेंड मोड का, और ब्लेंड में जाने के बाद आपको जाना है स्क्रीन। स्क्रीन में आपको दिख जाता है कि ये दोनों फ़ोटोज़ मर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमें इसमें इरेज़र यूज़ करना पड़ेगा। इरेज़र यूज़ करके नीचे वाला पोर्शन और ये जो टेंट के ऊपर आ गया है ये सारा हमें रिमूव करना होगा। इस फोटो में से हमने जो अनवांटेड पोर्शन था वो रिमूव कर लिया है, सो नाउ यू कैन सी ये फोटो बहुत ज़्यादा अभी भी अननेचुरल लग रही है। अच्छा पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लेंड मोड में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल सेलेक्ट करने पे हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे हमारा रह गया है इरेज करना, वो भी हम इरेज कर देते हैं। और इसके बाद हम करेंगे इसको एडजस्ट पे जाएंगे, और एडजस्ट पे जाके हम इसकी ब्राइटनेस को करेंगे कम, सो दैट हमारी फ़ोटो के साथ ये मैच करे। कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे,
एंड दिस इज जस्ट टू मेक इट लुक नेचुरल विद द फोटो। तो हमने इसको ये कर दिया और हाइलाइट्स पे जाके थोड़ा सा डिम कर देंगे, थोड़ा और ज़्यादा डिम कर देंगे इसको। और अब हम कर देंगे लास्ट में इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम, ताकि हमारी फ़ोटो के साथ प्रॉपरली मर्ज हो जाए बैकग्राउंड के साथ। इसको करेंगे डन एंड यस, योर पिक्चर इज़ रेडी टू बी शेयर्ड। सेव एंड डन। ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया है, अगर आप लोग करेंगे थोड़ा तसल्ली से करेंगे तो थोड़ा और क्लीन बनेगा और आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन सारे ट्रिक्स में से जो भी आपको ट्रिक पसंद आई हो ज़रूर उसको ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद इंस्टाग्राम पे ज़रूर पोस्ट करना। एंड मेक श्योर यू टैग मी, ऑल्सो यूज़ द हैशटैग क्लिक विद वॉकर, सो दैट आई कैन फाइंड यू गाइज एंड आई कैन सी योर फोटोज़ देयर। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर 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 वो सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकन दबा देना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि फोटो एडिटिंग सीख रहे हैं तो ज़रूर ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा एक और एडिटिंग वीडियो के साथ और बहुत सारे फोटोग्राफी हैक्स के साथ और मे बी ट्रैवल व्लॉग के साथ। लॉकडाउन खत्म हो जाए तो मैं ट्रैवलिंग के लिए भी निकलूंगा। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, स्टे इन, स्टे सेफ, बाय।